किसान जो है रूटीन से हटके भी जो कृषि है वो कर रहे हैं, खेती फलों की, तो किस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं और क्या खेती इन दिनों चल रही है सर? आम के अलावा, और वैसे बिल्कुल सही प्रश्न है आपका। मैं भी ये चाहूँगा, क्योंकि आम का एरिया काफ़ी है, कभी कभी होता है क्या है कि आम मार्केट में एकदम से बहुत ज़्यादा आ जाता है, कई किसान भाइयों का पूरा प्रोडक्ट आ जाता है, उसमें रेट भी डाउन हो जाते हैं। विविधीकरण बहुत ज़रूरी है बागवानी में, मतलब किसान को ये चाहिए कि आम के साथ साथ और भी जो बागवानी की फसलें हैं, जैसे आपका नाशपाती है, नाशपाती बहुत बहुत अच्छा उत्पादन दे रहा है, इन ऐसी फसलों को प्रमोट करना चाहिए। और हमारे वैज्ञानिक भाइयों ने इस संबंध में बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है। पहले नाशपाती पहाड़ों में हुआ करती थी, क्योंकि नाशपाती का जो पौधा है उसको कम लगभग 60 दिन कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, माइनस में टेम्परेचर की आवश्यकता होती थी। ऐसी वैरायटियाँ केवल पहाड़ों में होती थी, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने इसमें काफ़ी प्रोग्रेस की है और ऐसी ऐसी वैरायटियाँ डेवलप हो गई हैं जो मैदानों में भी, यानी कि हाई टेम्परेचर में भी अपना उत्पादन दे रही हैं।